नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे चॉकलेट डेकोरेशन और चॉकलेट केक को कैसे डेकोरेट किया जाता है। इन चॉकलेट के जो हमने ये हार्ट बनाए हुए हैं, इनसे हम केक को किस तरह से डेकोरेट करेंगे ये आज हम सीखेंगे। ये हमने चॉकलेट के हार्ट शेप की डिजाइन बनाई हुई है, तो चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इनको बनाया किस तरह से जाता है। हमने लिया है मोर्डे का डार्क कंपाउंड। आप डार्क कंपाउंड कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो आप उस कंपनी का डार्क कंपाउंड ले लीजिए और थोड़ी डार्क कंपाउंड के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और एक कांच के बाउल में निकाल लीजिए। अब इस बाउल को हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। 30 सेकंड में ये मेल्ट नहीं होता है तो फिर 30 सेकंड के लिए रखेंगे। एक साथ हम एक मिनट या दो मिनट के लिए नहीं रखेंगे, इसको हम 30-30 सेकंड के दो तीन बैच में रखेंगे। एक बार 30 सेकंड पर रखने के बाद में आप थोड़ा चला लीजिए, अगर चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट नहीं होती है तो फिर से इसे आप 30 सेकंड के लिए रख सकते हैं। एकदम से ज्यादा टेम्परेचर पर रखने पर चॉकलेट जल सकती है, इसीलिए हमको माइक्रोवेव में जब भी चॉकलेट मेल्ट करना हो तो उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए इंटरवल के लिए रखना है और निकाल के देखना है उसे। इस तरह से अच्छे से चॉकलेट को मिला लीजिए। ये हमारी अभी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, हम इसको 30 सेकंड के लिए और माइक्रोवेव करेंगे। चॉकलेट को इस तरह से चम्मच से मिक्स करना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए अभी मिक्स अच्छे से नहीं हुई है, मेल्ट नहीं हुई है, इसको हम 30 सेकंड के लिए और मेल्ट करते हैं। ये हमने 30 सेकंड के लिए मेल्ट किया था, अब हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसे हमें चम्मच से इस तरह से कम 8 से 10 मिनट तक इसी तरह चलाना है ताकि इसका टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री के बीच में आ जाए। ये आपको टेम्परेचर ऐसे पता चलेगा कि आप जब चॉकलेट थोड़ी ठंडी हो जाए आप इसी तरह से चम्मच से इसको हिलाते रहिए और थोड़ा सा हाथ में चॉकलेट को टच करिए और अपने लोअर लिप पे लगाकर देखिए। अगर लिप पे आपको बहुत गर्म लगता है तो अभी आपकी चॉकलेट 27 डिग्री पे नहीं आई है, और यदि गर्म नहीं लगता, हल्का कुनकुना लगता है, तो समझिए चॉकलेट आपकी 27 पे आ गई है। इसी तरह से हमको व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करना है और टेम्पर करना है। जैसा हमने डार्क चॉकलेट को टेम्पर किया है चम्मच से हिला हिला के, उसी तरह से हमें व्हाइट चॉकलेट को भी टेम्पर करना है हिला हिला के। अब जब हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है तो इस तरह से आप एक बटर पेपर लीजिए और उस पर व्हाइट चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अच्छे से चॉकलेट को पूरा बटर पेपर पर डाल दीजिए और एक स्पैचुला की मदद से इसको जल्दी जल्दी फैला दीजिए। ये काम हमें बहुत जल्दी करना और तेजी से करना है, नहीं तो चॉकलेट जमने लगेगी, क्योंकि हम बहुत पतली लेयर इसकी फैला रहे हैं और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो चॉकलेट ड्राई ना हो पाए इसलिए उसको जल्दी से फैला देना है, या फिर एक ही जगह ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही वो फैल जाए हमें इस तरह की कंघी से उस पर इस तरह की डिजाइन बनाना है। अगर चॉकलेट गीली होगी तो ये बहुत अच्छे स्क्रैच के निशान बनेंगे, और ड्राई हो जाएगी तो ये स्क्रैच के निशान अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको हमको कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हल्का सा ये सूख जाए, गीली ना रहे, हल्का सा ड्राई हो जाए ये। अब हमने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करा था, उसे हम इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए और फिर स्पैचुला की मदद से हम इस पे पूरे पेस को अच्छे से कवर कर देंगे, व्हाइट चॉकलेट को पूरा कवर कर देंगे। ये भी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ही डालना है कि बस एक पतली सी लेयर उसके ऊपर आ जाए व्हाइट चॉकलेट के ऊपर। इस तरह से आप स्पैचुला की मदद से पूरा फैला लीजिए। इसे भी हमें बहुत जल्दी करना है, नहीं तो चॉकलेट ड्राई होने लगती है और फिर हमारी चम्मच अच्छे से इजीली चलेगी नहीं, इसलिए फटाफट हाथ चलाना है हमको। अब इसको हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि चॉकलेट हल्की सी सूख जाए, नरम रहेगी, एकदम से टाइट नहीं होगी, नरम रहेगी मगर सूखेगी नहीं। अब इसको हम एक कुकी कटर लेंगे, हार्ट शेप का कुकी कटर लेंगे
उससे हम इस पे हार्ट के निशान बना लेंगे, इस तरह से। इस तरह से आप जोर से दबाइए तो डिजाइन बन जाएगी, ये देखिए पूरा शेप बन जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिए, सारे बटर पेपर के ऊपर आप इस तरह से निशान बना लीजिए। जैसे ही हमारे ये सारे निशान कंप्लीट हो जाएंगे, हम इसको एक ट्रे में रख के फ्रीजर में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और हम साइड में इसके जो चारों कॉर्नर है इस पे हल्का सा एक वजन रख देंगे ताकि ये उठे ना, नहीं तो जैसे ही चॉकलेट ड्राई होगी तो ये कॉर्नर से उड़ जाता है, इसलिए हल्का सा कुछ वजन रख देंगे। हल्की सी कोई भी चीज रख देंगे तो बटर पेपर टेढ़ा नहीं हो पाएगा। इस तरह से हमने ये कुकी कटर को ही रख दिया था तो हमारा बटर पेपर सीधा है। अब हम अपने चॉकलेट को निकाल लेंगे। अच्छे से चॉकलेट सेट हो गई है, ये देखिए कितना सुंदर बना है डिजाइन। आप इसको केक में किसी भी तरह से लगा के या कप केक में लगा दीजिए और केक को बहुत अच्छे से आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारी चॉकलेट बनके तैयार है। अब हम इसको केक में किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए एक केक में मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है और दूसरे केक में मैंने केक के चारों साइड इसको लगा के केक को डेकोरेट किया है। तो चलिए हम चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट केक का स्पंज लेंगे और उसको तीन लेयर में कट कर लेंगे। तीन लेयर में कट होने के बाद में हम इसको शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। और फिर हमने जो वेनिला क्रीम बनाई हुई है, मैंने व्हिप्ड क्रीम का वीडियो पहले डाला हुआ है, आप उस तरह से क्रीम को व्हिप्ड कर लीजिए और केक में इस तरह से हमको उसको लगाना है। स्पैचुला की मदद से आप इस तरह से क्रीम को लगा लीजिए। इसी तरह से तीनों लेयर रखते जाना है हमें एक के बाद एक, और सब पे शुगर सिरप डालना है। शुगर सिरप आप समान शक्कर और समान पानी यानी एक कप शक्कर एक कप पानी डाल के उबाल लीजिए और ठंडा करके शुगर सिरप बना लीजिए, या फिर आप एक कप पानी में दो या तीन चम्मच शक्कर डाल के उबाल लीजिए और ठंडा करके आप वो शुगर सिरप बना लीजिए। आपको जैसा पसंद हो मीठा उस हिसाब से आप बना सकते हैं। चाहे तो आप कंडेंस्ड मिल्क को भी हल्का सा लिक्विड कर लें, पानी मिला लें, फिर उसको भी आप शुगर सिरप के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर कोई जूस आपको डालना, कोई फ्लेवर बनाना हो दूसरे केक में। अभी हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसमें हम प्लेन वेनिला ही यूज करेंगे। क्रीम भी हमारी वेनिला रहेगी और किसी प्रकार का हम बीच में कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ वेनिला हमने व्हिप्ड क्रीम बनाई है और वो लगा रहे हैं, और शुगर सिरप लगा के बस हम इसको क्रीम से कोट कर देंगे और जो हमने चॉकलेट्स बनाई हैं उससे इसको हम डेकोरेट करेंगे। अच्छी तरह से आप चारों तरफ लगा लीजिए और जो हार्ट शेप है केक का उसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लीजिए। क्रीम चारों तरफ अच्छे से लगाइए तो शेप बहुत अच्छा आता है। ये हमने हर्षी का सिरप लिया है करीब दो तीन चम्मच, और एक या दो चम्मच कोको पाउडर डाल के और थोड़ा सा पानी मिला के आप एक तरह से एक इमल्शन टाइप का तैयार कर लीजिए और उसमें हम अपनी ये व्हिप्ड क्रीम मिला देंगे तो हमारी चॉकलेट क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने पर हमारी चॉकलेट क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। इसे हम पाइपिंग बैग में भर के केक में नीचे तरफ सबसे नीचे तरफ
बहुत कोई भी नोजल लगा के डिजाइन बना लेंगे हल्की हल्की। ये देखिए मैंने नीचे तरफ एक डिजाइन बनाई हुई है, और अब हम उसके ऊपर जो हमारी केक की बाउंड्री है उस पे हमने ये हार्ट शेप की जो चॉकलेट बनाई है उसको लगा रहे हैं। तो इस तरह से सारा केक चॉकलेट से डेकोरेट हो जाएगा, अंदर भी चॉकलेट का स्पंज है। इस तरह से हमारा ये सारा केक चॉकलेट वाला है। इस तरह से चारों तरफ चॉकलेट लगाने के बाद में आप ऊपर भी चॉकलेट से डिजाइन बना लीजिए। जो हमारी चॉकलेट क्रीम है उससे हम ऊपर की तरफ भी नोजल लगा के डिजाइन बना लेंगे। इस तरह से आप जैसी चाहें वैसी इस पर डिजाइन बना सकते हैं। ये डिजाइन बन जाने के बाद में आप हर एक डिजाइन के ऊपर एक एक चेरी रख दीजिए, और जो बीच में खाली जगह है उसमें आप चॉकलेट फ्लेक्स डाल सकते हैं। चॉकलेट फ्लेक्स बनाने के लिए आपको जो आलू की छिलनी रहती है उससे चॉकलेट कंपाउंड को छिलनी से हल्के हल्के छील लेना है, और इस तरह से चॉकलेट फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अच्छे से चॉकलेट बनाना सीख लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।